मोबाइल पे भी फिल्म बना सकते हो, आपकी आइडिया क्या है, कल्पना क्या है, कल्पना की कीमत बढ़ गई है। तो जो हमारे अंदर जो घुटन है, मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टिंग के जरिए मेरी अपनी घुटन निकाल सकता हूँ, जो क्रिएटिव जो कुछ है वो निकालने के लिए जो नए बच्चे हैं, वो 15 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, छोटे बच्चे भी बनाते हैं, तो उनके पास एक मीडियम मिल गया उनको, और वो लोगों के सामने लाने के लिए ये जो मंच इन्होंने खड़ा किया है, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, दोनों का बहुत अच्छा है। और इंटरनेशनली जो बना है, इतने कितने कंट्रीज से लोग आए थे आपके यहाँ एंट्रीज? 30 प्लस कंट्रीज से इंटरनेशनली। तो इसका ये अभी शुरुआत है, और इस शुरुआत में हमारा दूरदर्शन है, हमारा सांस्कृतिक मंत्री है, हमारे जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उन्होंने जो सहकार्य किया, और यहाँ के हमारे अभिजीत गोरपड़े जो है, यहाँ आशुतोष ने अभिजीत आशुतोष गोरपड़े बहुत कमाल का है। और जो शुरुआत में जो जिनका जब एक आप सब कुछ मिल जाता है, आपको तरक्की मिल जाती है, बड़े बन जाते हैं, तो आपको पहचानने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो शुरुआत करते हैं जब कोई नहीं आपके साथ, उस वक्त आपके साथ ऐसे जो लोग जुड़ते हैं तो उनका बहुत अहम बात है, तो मैं उनका आभारी हूँ उसके लिए। होईल आता आमचा घोरपडे आला आहे, त्यामुळे आता इथलं सगळं काहीतरी छान होईल। सरतेशेवटी काय होतं की सगळ्याच म्हणजे आपल्या सरकारी कामकाजामध्ये सगळ्या गोष्टी एकदम छान जुळून येणं ह्याला वेळ लागतो ना। एखादा योग्य माणूस योग्य ठिकाणी येणं हे फार गरजेचं असतं, आणि आज आपण नशीब की तो मुलगा आज इथे आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये खरंच ती हुनर आहे। तर हे सगळं काहीतरी तुझा आता जो आहे ना उंदीर, याच्यापुढे विना तिकीट इथे नाटक बघायला येणार नाही त्याची मी खात्री बाळगतो। काही कठीण नाही आपल्यासोबत आहेत आणि आपल्यासोबत बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और मेरी बधाई है इन लोगों को, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का दौर आज ऐसा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फाइनेंसेस हैं, हमारे पास कॉर्पोरेटाइजेशन है सब कुछ, लेकिन जो अहम चीज़ है फिल्म बनाने के लिए वो है कंटेंट, और वो यहाँ पर है इन लोगों के पास में, और ये जो कंटेंट है ये मेन स्ट्रीम सिनेमा तक पहुंच नहीं पाता। तो जब इन लोगों को, इन छोटे कंटेंट वाले सिनेमा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जब इनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली बड़ी फिल्में भी बेटर हो जाएंगी, छोटी फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट देम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुंबई 125 किलोमीटर्स इन एक्सक्लूसिवली 3D फिल्म, हम लोगों ने एक्चुअली 3D कैमरे पर शूट किया है, और वो उस फिल्म का USP है। और 3D में अगर थ्रिलर हो तो 3D का इफेक्ट और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो मैं सारे ऑडियंसेस से यही कहना चाहूँगा, फॉर द इफेक्ट्स एंड फॉर द थ्रिल एलिमेंट,